नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। हाई अलर्ट में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो विलन जिन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान सारे नियमों को ताक पर रख दिया, चरण दर चरण कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा कर रख दी, तो वहीं जीत के जुनून में इस कदर डूबे कि सारी हदें पार कर दी। चुनाव की खुमारी में भूल गए महामारी, कोरोना काल में नियम हुए तार तार, प्रत्याशियों ने उड़ा दी नियमों की धज्जियां, ढोल नगाड़े की था कोरोना काल में पाप, कोर्ट के आदेश भी हवा में उड़े, कोरोना काल की सबसे खौफनाक तस्वीर, न चेहरे पर मास्क आया नजर, न सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल, पंचायत चुनाव के खलनायक, पंचायत चुनाव की मतगणना से पहले ही कोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह के जुलूस पर रोक रहेगी और प्रशासन ने भी इस बात को लेकर सहमति जताई थी, लेकिन जैसे ही नतीजों का ऐलान होने लगा वैसे ही एक जिले से लेकर दूसरे जिले तक जुलूस का तमाशा चलता रहा और उसकी तस्वीर ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। जीत के जुनून में लोगों का जुलूस, उड़ा दी नियमों की धज्जियां, राजधानी की सड़कों पर बेतरतीब घूमते लोगों की तस्वीरें डरा देती कि जीत के जुनून में यूं हो गई मदमस्त कि कोविड प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ा कर रख दी। ये कैसा जीत का जुनून, लखनऊ की गोसाईगंज में पंचायत चुनाव में जीत के जुनून ने नियमों को ताक पर रख दिया, जहां ग्राम प्रधान पद पर मीना कुमारी ने जीत का झंडा गाड़ा तो नव निर्वाचित प्रधान के परिवार ने सारे नियम कायदे हवा में उड़ा दिए। देर रात ही राजधानी की सड़कों पर फर्राटा भरा गया और कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा कर रख दी गई। हजारों की तादाद में ग्राम प्रधान के समर्थक सड़कों पर जमा हुए और बाइक रैली निकाली। जिम्मेदारों की ये कैसी संवेदनशीलता, कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अदालत तक ने नाराजगी जाहिर की और एक वादा प्रशासन की तरफ से किया गया कि पंचायत चुनाव में जीत के जुलूस पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी, लेकिन मनबड़ों की फौज ने राजधानी में ही
नियमों को गाड़ियों के चक्कों के तले कुचल कर रख दिया। मौत का तांडव, जीत का जश्न। ताज नगरी आगरा में कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के दौरान आगरा में भी सारे नियम ताक पर रख दिए गए थे, लेकिन इसके बाद प्रशासन की तरफ से वादा किया गया था कि विजयी जुलूस नहीं निकलने दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव के नतीजे प्रत्याशियों के सामने आए, कोरोना काल में सारी नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया गया। इस आपदा के दौर में ऐसी विभत्स तस्वीरें सिर्फ आगरा के किसी एक कोने से सामने नहीं आई, बल्कि जगह जगह जीत की खुशी में डूबे लोगों ने सारे नियम तोड़ कर रख दिए। राज्य निर्वाचन आयोग चाहे लाख दावे करे कि वो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करा रहा है, लेकिन कैमरा चला है थोड़ा शांत हो गए हैं। ये शरबतपुर ग्राम पंचायत से कोई राधा देवी यहाँ से जीती है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि काउंसिल सेंटर के बाहर किस तरह से झुंड लगाकर लोग खड़े हुए हैं। सवाल यही उठता है कि आगरा में कोरोना विस्फोट हो चुका है, कोविड के इतने ज्यादा मरीज हैं कि बेड और वेंटिलेटर मिलना मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में अगर इस तरह के झुंड लगाना कहीं ना कहीं कोविड को न्योता देना है। ढोल नगाड़ों की थाप पर टूटे नियम, आगरा की कुड़ौल ग्राम पंचायत और सरवतपुर ग्राम पंचायत में जीत की धुन में कोरोना के खौफ को साइडलाइन कर दिया गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर सड़क पर थिरकते नजर आए समर्थक। जब सड़क पर नियम टूट रहे थे, उस वक्त कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले अधिकारी दूर दूर तक नजर नहीं आए और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यही नहीं, लोग बिना मास्क के झूमते नजर आए। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम किसी भी हाल में विजयी जुलूस को निकालने पर प्रतिबंध लगाएंगे और इसके लिए स्थानीय थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रत्याशी है संजीव सिंह ठाकरे, कंडौल से ग्राम पंचायत प्रधान के तौर पर वो जीते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग विजयी जुलूस निकाल रहे हैं, बिल्कुल सख्त चल रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से नजर आ रही है, और अगर कोरोना फैलेगा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में लोग समय यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये विजयी जुलूस जरूर पंचायत चुनाव में जीत का जुनून दिखाने के लिए काफी है, लेकिन इसी के साथ जिम्मेदारों की लापरवाही दिखाने के लिए भी काफी है, क्योंकि जिनके कांधों पर गांव के विकास की जिम्मेदारी है, वही अपनी जीत के बाद सारे नियम को तोड़ते नजर आए। और तो और, कानून और नियमों की रक्षा करने वाली पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ऐसे में सवाल है कि ऐसे कैसे कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पंचायत चुनाव के दौरान लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कोर्ट की तरफ से सावधानी बरतने के आदेश दिए गए थे और विजय जुलूस पर पूर्णतः रोक लगाने के आदेश थे, लेकिन जीत के जुनून में प्रत्याशी कुछ इस कदर डूब गए कि सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। जिंदगी पर भारी जीत की खुमारी, पंचायत चुनाव जिंदगी का दांव। ऐसे कैसे हारेगी महामारी। कोरोना काल में ये तस्वीर डरा देने के लिए काफी है। न लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो वही दूसरी तरफ जीत का जश्न मनाने के लिए भीड़ सड़कों पर आ गई है।
पंचायत चुनाव के दौरान सारे नियम धड़ाधड़ टूटे हैं, जहां उत्पात भी हुआ, उपद्रव भी हुआ, तोड़ कर रख दिए गए कोविड के नियम। और पंचायत चुनाव के आखिरी चरण यानी कि मतगणना के दौरान तो सारी हदें पार ही कर दी गई। जीत के जश्न में सड़क पर लगाई गई है नुमाइश कि जिंदगी पर छाए संकट के बादलों के बीच लोग सारे नियमों को तोड़ने पर आमादा हैं। पंचायत चुनाव में जीत के बाद किसी भी तरह के विजयी जुलूस पर पाबंदी थी और ये पाबंदी कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लगाई गई। लेकिन जैसे ही आजमगढ़ के अजमतगढ़ ब्लॉक के अरीपुर गाँव को नई प्रधान मिली, सारी नैतिकता और नियमों को ताक पर रख दिया गया। आजमगढ़ की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही की सारी हदें पार कर दी गई। जीत के जुनून में डूब चुके लोग कोरोना को दावत देते नजर आ रहे हैं। ग्राम प्रधान रोशन जहां की तरफ से विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान बकायदा डीजे का इंतजाम किया गया और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। आजमगढ़ के साथ साथ गोरखपुर में भी सारी नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया गया, जब पंचायत चुनाव में जीत के बाद विजयी जुलूस निकाला गया। गोरखपुर के कैंपियरगंज के रामचौरा गांव को बिंदु देवी के तौर पर नया ग्राम प्रधान मिला। जीत के बाद बिंदु देवी के पति और भाजपा नेता प्रदीप यादव ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया और पूरे गाँव में विजय जुलूस निकाला, वो भी तब जब विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह पाबंदी। इस दौरान पूरे गांव में डीजे के साथ जुलूस निकाला गया और लोग झूमते नजर आए और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बिना मास्क के लोग सड़कों पर झूमते नजर आए तो वहीं एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते भी नजर आए। वाराणसी में भी कोर्ट के आदेशों को हवा में उड़ाकर रख दिया गया, जब कोरोना काल में जमकर सड़कों पर जीत के नाम पर जुलूस निकाला जा रहा है। वाराणसी के काशी विद्यापीठ के केशरीपुर ग्राम सभा की विजयी प्रत्याशियों ने इस आपातकाल में सारे नियमों को ताक पर रख दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के सामने ही कोर्ट के आदेश को हुड़दंगियों ने हवा में उड़ा दिया। सहारनपुर में भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई, जहां जीत के बाद सड़कों पर हुड़दंग किया गया और लोग बिना मास्क के बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जीत के जुनून में खो चुके लोगों के लिए जिंदगी से ज्यादा जरूरी चुनाव है, जीत जरूरी है, सारे नियमों को ताक पर रखना जरूरी है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की दूसरी लहर से लोगों की जिंदगी बदहाल होती जा रही है, लेकिन लगता है कि इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। आदेश और अपील के बावजूद भी पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी और जमकर विजय जुलूस निकाला। तो वहीं दूसरी तरफ कोविड प्रोटोकॉल के जमकर उखड़ती हुई सांसें और जाती हुई जानों के बीच एक अजब सी खुमारी गांव गांव में देखने को मिल रही है, जहां जीत के जुनून में इस कदर डूब गए हैं लोग कि आपदा काल में पाप करने से बाज नहीं आए और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ा कर रख दी गई। जालौन में दिखाया कानून को ठेंगा। कोरोना काल में जीत के रंग में सराबोर प्रत्याशियों ने सारी हदें पार कर दी और पहली ही परीक्षा में फेल साबित हुए, जहां महामारी के इस दौर में सारे नियमों की धज्जियां उड़ा कर रख दी गई। जालौन के कोटरा थाना इलाके के कुरकुरू गांव में संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी गई, जहां पर निर्वाचित ग्राम प्रधान प्रवीण कुशवाहा और बीडीसी गजेंद्र राठौर अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मनाने पहुंचे और साथ ही कोर्ट के आदेशों को हवा में उड़ा दिया और विजयी जुलूस निकाला। जालौन की सड़कों पर अलग अलग प्रत्याशी के समर्थक उतरे और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान जुलूस में लोग
ना तो मास्क लगाते नजर आए और ना ही दो गज की दूरी बनाए रखी गई और पूरे गांव में संवेदनहीनता की नुमाइश निकाली गई। हमीरपुर में हांफता कोविड प्रोटोकॉल। हमीरपुर में भी जिम्मेदारी का चोला उड़ने वालों की फौज ने सारी नैतिकता को खूंटी पटांग दिया। इस दौरान न सिर्फ जीत का ऐलान होते ही जगह जगह लोग जमा हुए बल्कि गानों की धुन पर सारे नियम खूंटी पर टांग दिए गए। हमीरपुर के चिकासी थाना क्षेत्र में कोर्ट के आदेश को प्रत्याशियों और उनके समर्थक ने हवा में उड़ा दिया और जीत का ऐलान होते ही बाकायदा डांस का आयोजन कराया गया। इस दौरान न मास्क की चिंता नजर आई और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। जीत की खुमारी जिंदगी पर भारी नजर आई। वहीं हमीरपुर के मोहदा कोतवाली इलाके के भबौरा गांव में भी विजय जुलूस निकालने का जुनून ऐसा सिर पर चढ़ा कि सारी हदें पार कर दी गई। प्रधान पद का चुनाव जीतने के बाद गांव की गलियों में घूम घूम कर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। फतेहपुर से ऐसी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जो सिहरन पैदा करती हैं। जीत के जश्न में सड़क पर लगाई गई है नुमाइश कि जिंदगी पर छाए संकट के बादलों के बीच लोग सारे नियम तोड़ने पर आमादा है। पंचायत चुनाव में जीत के बाद किसी भी तरह के विजयी जुलूस पर पाबंदी थी और ये पाबंदी कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लगाई गई। लेकिन जैसे ही फतेहपुर में नतीजों का ऐलान हुआ सारी नैतिकता और नियमों को ताक पर रख दिया गया। फतेहपुर की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही की सारी हदें पार कर दी गई। जीत के जुनून में डूब चुके लोग कोरोना को दावत देते नजर आए। ग्राम प्रधान की तरफ से विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान बकायदा ढोल नगाड़ों का इंतजाम किया गया और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। झांसी की तस्वीर और भी ज्यादा खौफनाक है क्योंकि जिस प्रत्याशी को अपने समर्थक पर रोक लगानी चाहिए थी वही प्रत्याशी कोरोना नियमों को तोड़ने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। झांसी के बबीना ब्लॉक के शंकरगढ़ डिमरोनी से रोनी राजपूत के जीतने पर उनके समर्थकों ने डीजे लगाया और जमकर डीजे पर डिस्को किया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जीत के जुनून में खो चुके लोगों के लिए जिंदगी से ज्यादा जरूरी चुनाव है। जीत जरूरी है, सारे नियमों को ताक पर रखना जरूरी है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच ये तस्वीरें डरा देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।